तुझे शिव से दोबारा मिलवाया भी तो सिद्धार्थ नहीं ना, कब तक अपने मन में इतना जहर दबा कर रखेगी? तू हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का नाम जोड़ देना चाहती है। अब जब तूफान आकर चला ही गया है तो क्यों रेत पर उसका नाम लिखकर फिर से मिटाने की कोशिश कर रही? दुर्गा आगे देख बेटा, जिंदगी जीने के लिए होती है। कहना बहुत आसान होता ना, पता नहीं तो क्यों समझना ही नहीं चाहती है दुर्गा। वो मैंने शिव के एक बड़ी पोर्ट्रेट बनवाने के लिए कहा था, आ गई क्या? मेरा काम तुझे समझाना था, जो मैंने कर दिया, आगे तेरी मर्जी। और हाँ, वो पोर्ट्रेट आ गया है, केसर को कह दे कहाँ लगाना है। जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। अरे सीख, मजा अभी शुरू हुआ और तुम बंद क्यों करवाया? सासू मां कुछ इंपॉर्टेंट कर रही हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए ना। भैन जी नमस्ते। हट पुत्र। भैन जी आज मैं आपसे ना कुछ मांगने आई हूँ। घर में सबसे बड़े होने के नाते मैं आपसे आपकी नातिन रोशनी का रिश्ता अपने पोते सीट के लिए मांगने आई हूँ। हम रोशनी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और उसके ससुराल लेके जाना चाहते हैं। आपकी क्या मर्जी है? क्या बात है, आज बहुत शर्मा रही हो। आपकी अमानत है, पूछने की क्या बात है, आप जरूर उसे ले जा सकते हैं। रोशनी मेरी बेटी है, किसी की अमानत नहीं। वो कहीं नहीं जाने वाली। अरे यार, एक तो ये विडंबना है मेरी जिंदगी की कि जहाँ सब ठीक हुआ नहीं कि इन्होंने नया मसला फड्डे में डाला नहीं। अब क्या हो गया सासू मॉम? तुम्हें कहाँ शांति नजर आ रही है? जो कुछ मेरी बेटी ने झेला, मेरे परिवार ने झेला, ये मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। सिद्धार्थ आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब भी तुम हमारी जिंदगी में आते हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा होती है, नुकसान होता है, बुरा होता है हमारे साथ। मीशा किसकी अच्छी दोस्त थी? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना। देख लो तुम्हारी उस बेस्ट फ्रेंड के चलते हमने क्या खोया है। अगर वो नहीं होती तो आज शिव हमारे साथ होता। सासू मां आप बेवजह बात बढ़ा रही हैं। मैं जानता हूँ कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन हम सबको आगे बढ़ना है।
मैं आपसे आपके पति का गम या उन्हें याद करने का हक नहीं छीनना चाहता, लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि मैं और रोशनी एग्जैक्टली वो होता तो ना, वही तो तुम्हें रियलाइज कराने की कोशिश कर रही हूं कि वो अब नहीं है हमारे बीच में. ही इज गॉन एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. यही हमारी जिंदगी का कड़वा सच ऐसे था. ये मेरा फैसला है कि ये शादी नहीं हो सकती. गलत है ना, मतलब इनको सिर्फ बुराई नजर आती है, अच्छाई नहीं नजर आती जो सेठ की वजह से हुई है. मां, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस. अब हम और नहीं सुनेंगे. अगर ये लोग इज्जत से रोशनी को नहीं देते हैं तो हम लोग इसे उठा के ले जाएंगे. रोशनी रुक जाओ, अगर उनकी तरफ से आई हो तो जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते पर लौट जाओ. ये रिश्ता, इसके लिए मैं कभी हां नहीं कहने वाली. ओके मम, आप गलत समझ रही है सिद्धार्थ को. प्लीज, मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ उसे भी और उसके परिवार को भी. रोशनी सीरियसली समझना चाहती है, खुद सोच. पिछले 1.5 साल में जब से तुझे सिद्धार्थ मिला है, क्या कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ, क्या कुछ नहीं गवाया इस परिवार ने, और उनका क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं ना. जब पास आया है कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है हमारे साथ. रोशनी घर से निकाल दिया उन्होंने हमें, हमारे खुद के घर से. उसके बाद तुझे डिवोर्स दे दिया, आज तेरे पापा को छीन लिया, और कितना दुख देखना चाहेगी. मैं और दुख नहीं देख सकती, मुझसे और बर्दाश्त ही नहीं हो सकता. इसलिए इस रिश्ते को लेकर मेरे पास कभी मत आना. अंडरस्टैंड मी ऑन दिस वन प्लीज. आप सही कह रही है मॉम, गलत किया सिद्धार्थ ने, हमेशा गलत किया. पर जब भी मैं अपने पास्ट में जाके देखती हूँ ना, हाँ मुझे वो सारे कांटे दिखाई देते हैं जो जिनसे होकर मैं यहां तक पहुंची हूं. पर मॉम, इस सब के बीच में मुझे वो फूल भी दिखाई देते हैं जो सिद्धार्थ की वजह से हमारी जिंदगी में खिले. yeah, sure. आपके और मेरे बीच में सालों का फासला था. किसने दूरियां कम की? सिद्धार्थ ने. आपको और पापा को किसने मिलाया? सिद्धार्थ ने. हाँ बेटा, पर अच्छा होता अगर नहीं मिलते. जिंदा तो था शिव. देख रोशनी, सिद्धार्थ की अच्छाइयां मुझे बेचने की कोशिश मत करना, नहीं बेच पाएगी. माय डिसीजन इज फाइनल. राइट नाउ इन्हें आराम की सख्त जरूरत है. वैसे चिंता की बात नहीं है, मैंने दवाइयां दी हैं. आप लोग प्लीज भीड़ ना लगाएं, इन्हें आराम. नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत कीजिए. बेटा हम सब बाहर जा रहे हैं, चलो हम सब बाहर जाते हैं. मैम एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. सब ठीक तो है ना? मैम मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होगा अगर मैं सबके सामने आपको ये न्यूज दूं. मुझे पता है कि रोशनी का तलाक हो चुका है, वो सिद्धार्थ खुराना के साथ नहीं है. हुआ क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज? रोशनी प्रेग्नेंट है. कि
दीजिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।